राजगढ़ कलेक्टर ने गाड़ी रोक कर लिया दिव्यांगों का ज्ञापन, मांगे पूरी करने का दिया आश्वासन। आपको बता दें कि राजगढ़ जिला मुख्यालय पर दिव्यांगों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे थे। गेट पर दिव्यांग ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हो रहे थे, तभी कलेक्टर ने गाड़ी रोक कर दिव्यांगों से उनका ज्ञापन लिया और दिव्यांगों की मांग पूरी करने का आश्वासन दिव्यांगों को कलेक्टर राजगढ़ हर्ष दीक्षित द्वारा दिया गया। बड़ी मांग है पेंशन। आज हमारे हजारों दिव्यांग पेंशन पर आधारित है। आज 2 महीनों की पेंशन दिव्यांगों को नहीं मिल पाई। हम इसी पेंशन को लेकर आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना है 600 की मांग को लेकर। इसमें दिव्यांगों की पेंशन को तत्काल डलाई जाए। जिस प्रकार से सरकार सबको डबल वेतन दे रही है, सबका पैसा बढ़ा दिया, लेकिन विकलांगों को 600 रुपये की पेंशन क्यों नहीं डाली गई अभी तक, ये एक बहुत बड़ा विषय है। साथ साथ में जो दिव्यांगजन एक्ट बनाया, इसका पालन के लिए हम हर बार एसपी महोदय, एडिशनल एसपी, कलेक्टर सबको आवेदन दे रहे हैं और इस पर कार्रवाई करवा रहे हैं, तो इससे भी वो उनको गंभीरता से लेना चाहिए। हम इन सभी मांगों को लेकर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है।